नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में कि इन लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी ग्रुप के अंदर, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित हमारे चैनल पर सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखिए, हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल टायर टू के अंदर। आप सभी को पता है कि इसमें थोड़ा सा अब की बार टाइपिंग और कंप्यूटर डिफ़िकल्ट थे, बाकी सेक्शन सबके लिए इतना ही नॉर्मल था। जो इम्पोर्टेंट रोल है वो टाइपिंग का और कंप्यूटर का है, क्योंकि टाइपिंग में कीबोर्ड इतने ज़्यादा ख़राब थे और कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिनकी स्पीड ये मान करके चलिए घर पर 30 प्लस थी, 33 थी, 32, 33, 35 इतनी थी, वो लोग ही पूरे 2000 की स्ट्रोक कर पाए हैं। ठीक है, नहीं तो जिनकी स्पीड 27 भी थी उनके लगभग 1500-1600 तक की स्ट्रोक उनके हो पाए हैं। कंप्यूटर में भी वहीं बहुत ज़्यादा हार्ड का था लेवल, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कंप्यूटर का। वैसे तमाम बात करें अगर सारी शिफ्ट की तो कंप्यूटर का हार्ड ही था लगभग सभी शिफ्ट के अंदर। अब थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर हम बात करें ओएच कैंडिडेट की, अगर हम ओएच कैटेगरी में बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, अगर इन लोगों के 200 से लगा करके 210 मार्क्स बन रहे हैं तो पक्का इनके चांसेस हैं कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 200 से लगा करके 210 के बीच में अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है क्लियर कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें वीआई कैटेगरी की, तो वीआई कैटेगरी में आपका 180 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो वीआई कैंडिडेट का हो जाएगा। वीआई कैंडिडेट में सभी को टाइपिंग करनी जरूरी थी, तो वीआई कैंडिडेट की कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। 180 तक जो है अगर आपके बन रहे हैं तो चांसेस आपके रहेंगे वीआई कैटेगरी के, क्योंकि स्क्राइब वगैरह भी होते हैं। ऐसे तो और भी कम चले जाते कट ऑफ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्क्राइब वगैरह का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो 180 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप वीआई में सिलेक्ट हो जाओगे। वहीं बात करें एचएच कैंडिडेट की और एमडी कैंडिडेट की, तो एचएच और एमडी कैटेगरी में अगर 120 मार्क्स बन रहे हैं तो इन लोगों का चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, एचएच एमडी कैटेगरी में इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलते और एचएच में तो वैसे भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं पड़ेगी। फिर दूसरी बात है, इसमें भी टाइपिंग सभी के लिए कंपलसरी थी, तो टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी टाइपिंग की वजह से भी, तो इन लोगों की कट ऑफ जो है 120 तक रहने के पूरे चांसेस रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कट ऑफ जाएगी। मैं वीआई की 180 अगर नंबर बन रहे हैं और एच में 200 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो आराम से ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो भी आपको ठीक लगे कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा था, कितने कितने अटैम्प्ट आपने किए, किस तरीके से क्या आपको कन्फ्यूजन लग रहा है एसएससी एग्ज़ाम को लेकर के, आपके क्या राय है, तमाम चीज़ें आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि सभी लोगों को पता चल सके, जो भी जिसके मन में भी जो भी डाउट है वो सभी लोगों में शेयर हो सके। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।